अलापता 24 करोल बाग आ जाइयो। 2 साल तक हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हौसला नहीं टूटने दिया एक दूसरे का, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। दुनिया की कोई ताकत हमें शादी करने से नहीं रोक सकती अनुज, यही कहती थी ना तुम। इतनी आसानी से तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए, क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए मेरा साथ छोड़ना? साथ तुमने छोड़ा है अनुज। अनुज बहुत उदास है, मुझे ही कुछ करना होगा, मैंने ही तो इन दोनों की शादी करवाई थी, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। नीतू जी आपको पक्का पता है ना कि नकुल भैया आज ऑफिस में नहीं है, उन्होंने हमें ऑफिस आने से मना किया था ना, इसलिए। आपको क्या लगता है अम्मी जी, मैं आपको यूं ही यहाँ ले आऊं? मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आई हूं अनीता, ये मेरा ही घर है सिमिधि। नहीं अनीता, तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। जो अब भल्ला का हो गया है, ये मिडिल क्लास लोग भी ना आखिरी सांस तक लड़ते ही रहते हैं। सिमिधि, अनुज ने मुझे गुस्से में कहा, तुम ही अनुज को टूटने से बचा सकती हो, एक नई शुरुआत करने में मदद कर सकती हो। कितना सुकून मिल रहा है मुझे आपको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर। अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही सही, मैं उस घर में रहकर भी आपका जीना हराम कर दूंगी। ठीक है सिमिधि, लेकिन ये मेरी तरफ से आखिरी मौका है। सर वो मैंने वो जो पेपर है आपकी टेबल पर रख दिए हैं, जिस पर नकुल सर और ओमी सर के सिग्नेचर होने हैं। यस सर जी। सुनिए जी, आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, और आप? ये नकुल सिंह डागर के छोटे भाई हैं। ओमी सर? और मैं इनकी पत्नी। सॉरी सर, सॉरी मैम, मैंने पहले कभी आपको ऑफिस में नहीं देखा ना, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस मैम। इससे कह दो कि वापस चली जाए अपने बाप के घर, और इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अनुज, अनीता को अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनुज चलो निकलो, निकलो, चलो चलो यहाँ से। आंटी जी, आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अभी भी अनुज की पत्नी हूँ। अगर मैं गलत कर रहा था तो क्या तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था? उल्टा तुमने मुझे और भड़काया। क्या यही कर्म था एक पत्नी का, इस घर की बहू का? आंटी जी मेरा भी घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अंकल जी से भी माफी मांगने को तैयार हूँ। आंटी जी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। आप भले ही इसे इस घर में रहने दें, लेकिन मैं इसे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मुझसे तो झूठ बोलने की जरूरत है नहीं शर्मा जी, इन पेपर्स के मुताबिक साफ साफ पता चलता है कि नकुल जी सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर नकुल को इसके बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस मुझे इतना बताइए कि ये घोटाला कब से और कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो। बेटा ये कहानी तब शुरू हुई जब ओमी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। सर नमस्ते, ओमी जी और नीतू जी आए। लापता 24 करोल बाग आ